बैक माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्पोटिफाई लोफी सॉन्ग लिरिक्स स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो एंड यार अभी के समय में इस टाइप के वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आप लोग देखे होंगे अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं उससे पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज यार लाइक कर लेना साथ में चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ये जो बगल में बेलाइकन है इसको जरूर ऑल कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं सो so, यार वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है ओपन करने, करने के बाद के स्टेप इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा तो देख सकते तो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आपको वीडियो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करते हैं आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो फोटो एंड ऑल तो सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करते आपको ये ब्लैक ब्लैक इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेने है कुछ इस तरह से ब्लैक इमेज को तो ब्लैक इमेज मेरा ऐड हो चुका है ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना है इसका जो रेशियो है सबसे पहले आपको चेंज करना है अगर आपका रेशियो नाइन इंस टू सोलर वाला रेसियों में नहीं होगा तो आपको कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करते तो नाइन एस टू सोलर वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा टिक कर लेना है तो मेरा जो फोटो है यहाँ पे नाइन एस टू सोलर वाले रेशियो में सेट हो चुका है एंड अब क्या करना है आपको यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है ब्लैक फोटो के ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करें इसका जो ड्यूरेशन है आपको सबसे पहले चेंज करना है

कर यहाँ पे जो है दस सेकंड का हो जाएगा तो इस तरह से आपको कर लेना है करने के बाद अब क्या करना है आपको वीडियो के एकदम फास्ट पे आना है आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में पीआईपी वाला एक ऑप्शन मिलेगा देख सकते पीआईपी वाला ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करें यहाँ पे आपको फोटो वाला ऑप्शन जाना है और आपको दो फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेने हो सके तो ड्यूरेशन लॉन्ग होगा तो आप तीन चार फोटो भी ऐड कर सकते हो तो दस सेकंड का वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए हम दो फोटो को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो देख सकते हो हम यहाँ पे पाला वाला फोटो ये वाला फोटो मैं ऐड किया हूँ एंड हल्का सा आपको रोटेट कर लेने कुछ इस तरह से और आपको हल्का सा बड़ा करके यहाँ पर आपको सेट कर लेने। करने है करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है फोटो का ड्यूरेशन में आपको एकदम लास्ट पे आ जाना है जैसे कि पांच सेकंड में आपको आ जाना है आने के बाद अगर आपको पीआबे प्लस वाला आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करके आपको सेकंड फोटो को यहाँ पर एड कर लेने तो मेरा जो सेकंड फोटो है देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुका है तो इस तरह से आपको ऐड कर लेने तो जो मेरा सेकंड फोटो है उसका रेशियो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा तो आपको यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन में जाना है और आपको वन बाय वन रेशियो को सिलेक्ट करके यहाँ से फोटो को कुछ इस तरह से सेट करके यहाँ पे आपको ऐड कर लेने और आपको हल्का सा बड़ा करके नीचे में यहाँ पे आपको सेट कर लेने करने के बाद अब क्या करें आपको वीडियो के एकदम फर्स्ट पे आना है जाने के बाद तो यहाँ पे आपको पी आई पी प्लस लाइकॉन मिलेगा देख सकते हैं पी आई पी प्लस लाइकॉन इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक है अब आपको यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन जाना है और आपको ये ग्रीन ब्लू टेम्पलेट वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है एंड आपको फुल स्क्रीन पर करना है एंड यार इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज होगा सबका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल पर होगा तो देख सकते हो ग्रीन ब्लू टेम्पलेट वीडियो मेरा ऐड हो चुका है ऐड हो जाने के बाद ऊपर में टूल्स मिलेगा थोड़ा सा स्लाइड करके क्रोमा वाला एक ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये जो गोल या सर्कल है ये ब्लू कलर के ऊपर इस तरह से लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से और नीचे में स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेंथ को हंड्रेड कर लेना है एंड आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा टिक कर लेने एंड अब क्या करें आपको यहाँ पे फोटो में आपको मूविंग स्टेप एड एक कर उसके लिए यहाँ पे वीडियो के एकदम फास्ट पे जाने जाने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक है तो आपको हल्का सा फोटो को इस तरह से बड़ा कर लेना है और आपको नीचे को और नीचे में इस तरह से लेकर आ जाना है और आपको की फ्रेम वाला एक ऑप्शन मिलेगा देख सकते की फ्रेम वाला ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक है 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 तो ये जो लेयर आपको एकदम लास्ट पे चल जाना मतलब पांच सेकंड में चल जाना है और ये जो फोटो है आपको इस तरह से ऊपर की और इस तरह से लेकर आ जाना है ठीक है आने के बाद सेम चीज यहाँ पे सेकंड फोटो में एड कर लेने कुछ इस तरह से हल्का सा बड़ा कर लेने और नीचे में इस तरह से लेकर आ जाने फोटो को कुछ इस तरह से नीचे और इस तरह से लेकर आ नहीं यहाँ तक लास्ट कर लेना है करने का यहाँ पे की फ्रेम वाला ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करके ये जो लेयर मिलेगा एकदम आपको लास्ट पे चल जाना है कुछ इस तरह से और फोटो को कुछ इस तरह से ऊपर इस तरह से लेकर आ जाना है तो देखिए तो फोटो में कुछ इस तरह से मूविंग स्टेप ऐड हो जाएगा होने के बाद अब क्या करें आपको ऊपर जो टेम्पलेट वीडियो आप ऐड किए उसके ऊपर क्लिक करना है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मूविंग स्टेप ऐड हो चुका है तो इस तरह से आपको कर लेने करने के बाद अब क्या करें आपको वीडियो के एकदम फर्स्ट पे जाना है जाने के बाद अगर आपको प्लस मिलेगा इसके पर क्लिक करना है जैसे क्लिक कर तो आपको फोटो वाला ऑप्शन जाकर आपको ब्लैक इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेने रोटेट कर लेने है कुछ इस तरह से देख सकते हैं कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना हल्का सा आपको बड़ा कर लेने ये इमेज के ड्यूरेशन को इस तरह से लॉन्ग कर लेने और टेम्पलेट वीडियो के ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है तो देख सकते मेरा कुछ इस तरह से ऐड हो चुका है होने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा टिक कर लेने और सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लेने तो ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को सेव कर लेना है तो यार मेरा जो पहला स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले वीडियो को सेव कर लेते हैं तो मेरा जो वीडियो है यहाँ पे सेव हो चुका है होने के बाद यहाँ पे होम वाला ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन का होमपेज में आपको आ जाने आने के बाद अगर आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करते तो न्यू वाला जाना है जाने के बाद यहां पर आपको फोटो वाला फोटो वाला सुन जाकर आपको फोटो को यहां पर एडिट कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है फोटो मेरा ऐड हो चुका है ऐड होने के बाद फोटो के ऊपर क्लिक करें कन्वर्स वाला ऑप्शन जाकर आपको ये फोटो को कुछ इस तरह से सेट से कर लेने ये जो एरो मिलेगा आपको 50 इस तरह से फिफ्टी करके नाइन एस टू सोलह वाले इसमें कन्वर्ट कर लेने फोटो को और इस तरह से आपको सेट करके टिक वाला ऑप्शन मिलेगा टिक कर लेने एंड फोटो का ड्यूरेशन का आपको सेम दस सेकंड का कर, कर लेने यहाँ पे ड्यूरेशन वाला ऑप्शन में जाकर ठीक है देख सकते मेरा हो चुका है एंड अब क्या करना है यहाँ पे फोटो में आपको ब्लर इफेक्ट ऐड करना है और फोटो को थोड़ा सा कलरफुल कर लेना है उसके लिए यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है इफेक्ट वाला ऑप्शन जाना है और यहाँ पे आपको स्टाइल वाला एक ऑप्शन मिलेगा देख सकते स्टाइल वाला ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है नीचे में नीचे में बहुत सारे इफेक्ट मिलेगा हल्का सा स्लाइड करके यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा देख सकते हो ब्लर इफेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक करता है हल्का सा आपको ब्लर कर लेना है फोटो में देख सकते हो हल्का सा आपको ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा टिक करके इसका जो ड्यूरेशन आपको लॉन्ग कर लेना है एंड आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है ठीक है जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और लाइटनेस से को तो देख सकते तो यहाँ पे फोटो में कुछ इस तरह से लाइट इफेक्ट ऐड हो जाएगा तो इस तरह से आपको कर करनेग्नेट वाला ऑप्शन जाना है और भिग्नेट को एकदम हंड्रेड करके टिक वाला ऑप्शन मिलेगा टिक कर लेना आपको यहाँ पे टिक वाला टिक कर लेने है तो देख सकते हो मेरा जो है फोटो कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा होने के बाद तो अब क्या करना है आपको वीडियो के एकदम फास्ट पे जाना है जाने को यहाँ पी आर वाला ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे क्लिक है तो आपको फोटो वाला ऑप्शन जाकर आपको ये ब्लैक स्टेडियो इमेज को ऐड कर लेना है पर करना है, इसका जो करके, में जाना है और आपको इसका जो ऑपोसिटी है टिक वाला ऑप्शन मिलेगा टिक कर लेना है जाने के बाद यहाँ पे अगर आपको प्लस लाइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और अभी जो वीडियो आप सेव किए उस वीडियो को यहाँ पर एड कर लेने के बाद फुल स्क्रीन पर करना है देन यहाँ पे आपको क्रोमा वाला एक ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो गोल या सर्कल है ये गोल या जेसक यहाँ पे ग्रीन कलर के ऊपर इस तरह से लेकर चल जाना है और नीचे में जिस तरह वाला ऑप्शन मिलेगा इसको 80 या फिर एट्टी में इस तरह से कर लेना है करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा टिक कर लेना है अगर आपको प्लस आइकन में जाना है जाने के बाद यहाँ पे आपको पे आपको कोई सभी मनपसंद लिरिक्स वीडियो को यहाँ पर एड कर लेने है कुछ इस तरह से देन हल्का सा आपको बड़ा कर लेने है नीचे में आपको इस तरह सेट कर लेने है देन ब्लैंड वाला ऑप्शन जाकर स्क्रीन मोड में कर लेना है तो मेरा जो लेक्स वीडियो है देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इस तरह से आपको कर लेना है ठीक है तो यार देख सकते हो तो मेरा जो वीडियो है कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूं दे तो, तो देख सकते हो तो यार मेरा जो वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक भी कर लेना एंड अब कहने वीडियो को सेव करना है सेव करने के लिए ऊपर में सेव ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है फेवरेट है इसको सिक्सटी करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होने स्टार्ट हो चुका है सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तील जॉइन धन्यवाद मातरम